ओ भाई साहब, उबलता हुआ पानी। यार जी दीवाने की जहां बोर सुहानी देखी। चलो बैठो चाय नहीं पिलाते नहीं अभी चलते हो। दो दो यार। दगड़े भी जा रहे हैं ना, जितू लोग भी जा रहे उधर से। हमको उसके साथ बात नहीं करनी, हमको ना ही उसके साथ चलना है। हमको चाहिए ही नहीं ऐसा दोस्त। अभी हम जाने वाले, हम अकेले जाएंगे, वो भाई पीछे से आ रहा है। ओ भाई, ओ भाई साहब। अरे नमस्ते खोपचे, स्वास्थ्य पानी। हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी मैं जो ब्लॉग बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ पंकु भाई के फोन से। तो कल जैसे ही हम भीमुंडे का जो मेला देख करके आए, उसके बाद मेरा फोन पूरा स्विच ऑफ हो चुका था, ठीक है। और तब से अभी तक लाइट नहीं आई। तो अभी हम जोशीमठ से अभी तपोवन आए हुए हैं। अभी इससे पहले तक हमने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि फोन चार्ज नहीं था। अब मुझे पता नहीं था कि हमारे पंकु भाई का थोड़ा बहुत फोन चार्ज है। तो अभी थोड़ा पंकु भाई के फोन से ब्लॉग बना रहा हूँ, 8% चार्ज है, इससे देखता है हल्का फुल्का जितना भी ब्लॉग बनता है। अभी आपको सारे भाई लोगों से मिलाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये हमारे नवीन भाई। हेलो नवीन भाई। भाई जी, भाई जी, अमित भाई कैसे हो? बढ़िया, मजा आ गया भाई लोगों साथ। हेलो भाई जी, भाई जी, भाई जी। हेलो भाई कैसे हो? बढ़िया भाई जी, भाई जी। ओए अलोक भाई, घर जा रहे हो? चलो जोशीमठ। यह दोस्तों इसकी हर करके चलते हैं। अभी मैं इसका एक कांड बताता हूँ, यहाँ देखो। हैं ऐसे पहले श्रीनगर पूरी यार। अब भाई एक स्टंट वाला चैनल बनाने वाला है और मुझे नहीं पता कि वो स्टंट वाला चैनल कितना देर तक चलेगा, क्योंकि आज नहीं बचेगा तभी तो चैनल चलेगा, जिस हिसाब से इसकी हालत चल रही है। क्या चल रहा तुम्हारा ब्लॉग? ब्लॉग मैंने कहा बहुत लेट चल रहा, बहुत। मैं एक महीने में एक क्यों चल रहा है, इसका रीजन बताओ। इसका रीजन लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे लोग। सपोर्ट तो है, सपोर्ट नहीं है, पर चैनल उतना ग्रो नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं वीडियोस बहुत लेट ला रहा हूं। वो तुम्हारी गलती है ना यार, इंटरनेट होने के बावजूद मैं अपना एडिटिंग पे करो ना, फोकस करो ना यार, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। स्किल्स नहीं बढ़ रही है मेरी, हो जाएगी दोस्तों कंटिन्यूअसली अगर काम करेंगे तो जरूर होगा। भाई का भी तिमुंडे वाला ब्लॉग आने वाला है, हमारा भी आने वाला है। तो जो मैंने कल जो तिमुंडे वाला ब्लॉग बनाया था वो मैं आज सुबह अपलोड नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि मेरा कल से फोन लो है, इसलिए ना ही मैं वीडियो एडिट कर पाया। और एडिट नहीं हुआ तो अपलोड कैसे होगा, है कि नहीं? तो थोड़ा सा लेट में आएगा, कल तक आ जाएगा अगर शायद अभी जोशीमठ में लाइट आ चुकी होगी। तो आज घर जाएंगे, आज शाम को एडिट करेंगे और कल सुबह आपको सबसे पहले तिमुंडे वाला ब्लॉग आएगा, उसके बाद ये वाला ब्लॉग डालेंगे, ठीक है। तो अभी आ रहे होंगे भाई लोग, फिर इससे आगे की ट्रिप स्टार्ट करते हैं और जल्द से जल्द हमको जोशीमठ पहुँचते हैं, फिर घर भी जाना है कि नहीं। अबे हम भी चलते, चल। अरे मस्त जगह है, है मक्की कसम। तो दोस्तों अभी हमें जा रहा हूँ थोड़ा सा नीचे पे, वहाँ पे एक गर्म पानी का स्रोत है और वहाँ पे एक मंदिर भी है। तो थोड़ा सा मंदिर में भगवान के दर्शन करके भी आते हैं। तो दोस्तों अभी आपको मैं बहुत जबरदस्त वाली चीज दिखाने वाला हूँ, ये देखिए। ओ भाई साहब, उबलता हुआ पानी। भाई साहब गाइज, माँ कसम, मेरे को आज पता लग रहा है यहाँ पर इस तरह की चीज भी है। इससे ऊपर एक और जगह है जहाँ से कि इस तरह का गर्म पानी निकलता है, लावा वाला, लेकिन मुझे पता नहीं था यार यहाँ निकलता है, वहाँ इससे भी कम निकलता है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। वाह, चलो आज एक नई चीज़ दिख गई। यहाँ देखो पूरा उबलता हुआ पानी आ रहा है, यहाँ पे गलती से हाथ पैर कुछ भी चले गया ना, शरीर का कोई भी पार्ट चले गया इसमें, सीधे खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या चिल्ला मूड, माँ की कसम। चल मैं चेक उन्हें, मतलब यार किस्मत भी देखो ना। कल हमने कहा कल थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद आज घर निकल जाएंगे, लेकिन ये पता नहीं था कि हमको भाई लोग मिलेंगे। कसम से बोल रहा है यार, कल से मजा आ गया भाई लोगों से। दोस्तों के साथ जो मजा आता है ना, वो लाइफ में कहीं भी नहीं आ सकता। ये देखिए। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम तपोवन से, नानू करके बिल्कुल घूम घाम करके एक अच्छे से ट्रिप ले करके। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा बाल बुल कटा के आते हैं, उसके बाद घर जाना है अभी हमको। भाई साहब ना वो गर्म पानी से ना करके तपोवन के, अभी सर इतना भारी हो गया ना, तो भाई थोड़ा सा घर तो जाना ही है, इधर रह नहीं सकते क्योंकि इधर कुछ काम धाम है नहीं। घर में जाएंगे थोड़ा काम धाम करेंगे, कि नहीं यार? यार सुई नहीं उड़ू यार। फील कैसा बाइक में? फील बहुत गजब है यार बेटा, डंपर जाना मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
तो दोस्तों अभी शाम का 4 बज चुका है अभी, और अभी देख सकते हैं पूरा बैग बुक पैक करके तीनों भाई अभी हम घर के लिए निकल चुके हैं। बहुत बड़ा चैलेंज हमारे होने वाला है अभी, हम पूरा 25 किलोमीटर अभी हमको पैदल जाना है। पैदल क्यों जाना है, क्योंकि आज संडे है, संडे को घर से गाड़ी आती नहीं है, इसलिए अभी हमको पैदल जाना पड़ रहा है। और काफ़ी लेट भी हम हो चुके हैं 4 बजे। चलो कोई दिक्कत नहीं, जब हम बचपन में थे तो हम 4 बजे हमेशा छुट्टी के बाद यहाँ से निकलते थे। तो रोहित भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, माँ कसम जो आज का दिन है ना भाई, लाइफ में नहीं भूलेंगे कसम से। तो अभी जीत भाई छोटी सी राइड ले रहे हैं, उसके बाद हम निकलने वाले हैं, उसके बाद शायद रोहित भाई भी अब हमसे दूर होने वाला है। तो कब जाएगा घर? कल जाऊँगा। अच्छा ठीक है, तब मिलते हैं तब। चल भाई तू जल्दी जाके, उसके बाद ऑलरेडी हमको इतना लेट हो गया, आप कितना लेट कराएगा, है कि नहीं पंकु भाई? तभी तो बोल रहा हूँ 4 बज चुका है दोस्तों, कसम से 25 किलोमीटर है यहाँ से हमारे गांव तक। हाँ हेलो बाय 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 बाय, चल एक बार हेलो कर दे, बाय। बहुत दूर जाएंगे तब, एक दिन जाएंगे ठीक है, एक दिन जाएंगे। हाँ ले गयो ल। अरे बहुत गजब यार भाई, फैन बन गया मैं तेरा आज, तेरी राइड का कसम से बोल रहा हूँ यार, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये सामने ये रहा अपना गांव, इस गड्ढे में तो यहाँ पे हमारा गांव, और वहाँ बारिश लगने वाली है, ऊपर ऊपर बारिश लग रही है। तो उम्मीद करेंगे कि यार बारिश ना लगे, बारिश लगेगी तो बहुत ज़्यादा पता जाएगी, क्योंकि बैग में हमारा बहुत सारा सामान है, तो सामान भीग जाएगा। तो अभी हौले हौले चलते हैं अपने घर की ओर, अपने इस सफर को स्टार्ट करते हैं ठीक है। आप देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, शाम को 6-7-8 बजे। देख सकते हैं अभी पैदल चल रहे थे, हमको यहाँ पर हमारे 3-4 सब्सक्राइबर मिल चुके हैं यहाँ पे, तो बोल रहे हैं कि वीडियो डालो जल्दी जल्दी, क्योंकि 2-3 दिन से वीडियो आए नहीं ना। ओ ये बट, अरे दगड़े जाना तू ही। तो दोस्तों अभी चलते हैं, यहीं से चलते हैं भाई, लोगों से मिल करके जाते हैं। नमस्ते नमस्ते भाई जी, बढ़िया और था? नमस्ते और जी कैसे हो? बस बढ़िया, और तुम सुनो? सब बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों ये हमारे सब्सक्राइबर, अभी हम रास्ते से चल के जा रहे थे तो भाई लोगों ने हमको आवाज दिया, तो हमने कहा चलो यहीं से मिल के जाते। और सब बढ़िया? सब गए आए थे, बोल तुम आज नहीं थे? सब आ गए थे, हमने थे। और हमारे राजेश भाई को फुल सपोर्ट करना भाई लोगों। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे थाई गांव से, राजेश भाई शैलेश भाई के छोटे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आपका शायद मैसेज कमेंट भी आया था, मैसेज भी किया था मैं। बस अभी घर के लिए जा रहे हैं हम। अरे बैठो चाय पिलाते हैं। नहीं नहीं अभी चलते हैं, दो दगड़े भी जा रहे हैं ना, जितू लोग भी जा रहे हैं उधर से, पंकु जा रहे हैं नीचे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी चलते हैं, लेट भी हो रही, अभी 4:30 हो गया, अभी घर जाना है। अरे बहुत 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 धन्यवाद आपका। अरे दुख भी हो यार तुम्हारा, कुछ तो मर गया तेरा भाई जी। अरे नहीं अभी चलते हैं, अभी लेट हो रही है थोड़ा, नहीं तो रुक देते हैं। चला अरे बिल्कुल, तो दोस्तों अभी हम 9 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं, जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी पुल तक 9 किलोमीटर अभी चल चुके हैं, और अभी लगभग 15 किलोमीटर के आसपास अभी हमको और चलना है। जो नेशनल हाईवे वो खत्म हो चुकी है, यहाँ से आगे बद्रीनाथ के लिए एक रास्ता जाता है, मतलब रोड जाती है नेशनल हाईवे वाली, और यहाँ से जाती है इंटरनेशनल हाईवे ला, इंटरनेशनल हाईवे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। तो लिटरली गाइस हमारे लिए क्या लाई तुम? माजा लाई ना, क्या पी रहे यार? चलो चलो अब चलते हैं, फोटो शूट करें थोड़ा सा। लिटरली भाई गाइस हमने ढूंढ ली है, तो भाई तो ये अभी बच्चों वाली वो आमी का सीजन चल रहा है, इसके तो आमी का खाए गए। अभी पता है केवल मारवाड़ी पुल से, जहाँ से जहाँ पे हमने फोटो शूट करा था ना, जहाँ पे हम बोल रहे थे कि यहाँ से हमारे गांव की रोड स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी हम केवल 200-250 मीटर चले यार। भाई साहब हालत इतनी खराब हो चुकी है ना इतने में ही। और पहले गाइस हम रोज शाम को 4 बजे शनिवार को छुट्टी हो करके और घर जाते थे, और मंडे को सुबह स्कूल के लिए 9 बजे स्कूल के लिए जोशीमठ जाते थे। तो भाई उस टाइम पे भी वो एनर्जी थी हम पे, है कि नहीं? और अभी हमारी इतनी चलने में आफत आ गई, तो अभी थोड़ा सा हमने ड्रिंक लिया था, थोड़ा ड्रिंक लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तीनों भाई ने अपना अलग अलग ले रखा, जीतू भाई ने भी ड्यू ले रखा, इस भाई ने भी ड्यू, और हमें माजा वाले पी तो ले अब।
तो अभी हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, हमारे जीतू भाई पीछे से आ रहे हैं, हमारे जीतू भाई के साथ थोड़ा हमारा पंगा हो चुका था, पंगा नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुआ, जीतू भाई से हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है आज से, जीतू भाई के साथ हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है, आज से हम उसके साथ बात करेंगे कुछ नहीं करेंगे जीतू भाई। अब रीजन क्या है वो हम रीजन भी नहीं बता सकते हैं, रीजन आपको दोस्ती नहीं है, नहीं है दोस्त, हमको उसके साथ बात नहीं करनी, हमको ना ही उसके साथ चलना है, हमको चाहिए ही नहीं ऐसा दोस्त। अभी हम जाने वाले हैं, हम अकेले जाएंगे, वो भाई पीछे से आ रहे हैं, हमको नहीं मालूम कि वो कब पहुंचता है कब नहीं पहुंचता, बहुत घटिया आदमी है, क्या बोल रहा है उसके बारे में, आज सब मन ही वो हो गया बहुत ज्यादा दोस्तों, पूरा मतलब यारी दोस्ती कुछ नहीं है यार, नहीं चाहिए यार दोस्त, कुछ नहीं चाहिए, हम अकेला ही सही है, अकेला ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन है, मिलते यार आपको। तो दोस्तों अभी नदी तक पहुंच चुके हैं, ये रही नदी, ठीक है, तो इससे पहले तक वहाँ पे एक छोटा सा पुल लगा हुआ रहता था, तो उसके ऊपर से हम चल करके आगे जाते थे, तो आज यहाँ पर कोई पुल भी है नहीं और पानी का बहाव भी ठीक ठाक है, मतलब कम भी नहीं है, तो अभी हमको इसमें से चल करके उधर जाना है, भले वीडियो में उतना बड़ा नहीं लग रहा है लेकिन पानी बहुत है, नहीं है बहुत ज्यादा भाई, उधर से कम लग रहा था लेकिन यहाँ पे आकर के बहुत ज्यादा है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ से ऊपर को चलते हैं, यहाँ से ऊपर और वहाँ से उधर, मेरे को लग रहा है वहाँ से हम सही जा पाएंगे, यहाँ पे भाई भाव बहुत तेज है भाई, जूते निकालने पड़ेंगे, तो जीतू भाई पीछे से आ रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं जीतू भाई से, वो जाए से भी जाए, ओए मत कर रिस्क, मत ले मार्क्स, नहीं नहीं बहुत दूर है दोस्तों, इस तरह का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि एक बार मैं इस तरह से कूद चुका हूँ, ऐसा रिस्क ले चुका हूँ, मतलब यहीं से उधर कूद रहा था और वहाँ से सीधे नीचे गिर गया, मां कसम बोल रहा हूँ यार, पूरे कपड़े भीग गए थे मेरे, अभी हम ऊपर से जाएंगे आराम से, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे हमको सही बैठेगा, ओ भाई, ओ भाई साहब, पंकु मेरे को भी जोश आ गया, मां कसम आ गया, अब तू बैग पकड़, मैं भी कूद रहा हूँ दोस्तों, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पंकु भाई यहाँ से उधर कूद पाएंगे, ले पकड़ा ढंग से, अब उसको पार कर, इसको मैं गले में डालता हूँ भाई, मेरे को तो डर लग रहा है यार, तो दोस्तों प्रैंक भारी पड़ गया यार कसम से, उधर से ना मतलब जहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक पिया था वहाँ से हम जीतू भाई के साथ, आज ही प्रैंक हो गया, जीतू भाई के साथ प्रैंक कर रहे थे कि हम तेरे साथ नहीं बोल रहे, हम आगे जाने वाले हैं, क्यों कर रहे थे उसका रीजन बताता हूँ, ठीक है, हम तीनों एक साथ चल रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा आराम से चल रहे थे यार, बिल्कुल मस्ती मस्ती में, मुझे लगा कि वो समझ चुका होगा कि हम उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझा, वहाँ नीचे पे से दो रास्ते जाते हैं, यहाँ से नीचे एक जिस रास्ते से हम आए, ये शॉर्टकट रास्ता नदी के रास्ते, और एक जाता है पूरा रोड बाई रोड लॉन्ग रास्ता, वहाँ से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, तो हम यहाँ से आ गए, हमको लगा वो यहीं से आएगा लेकिन वो दूसरे वाले रास्ते से चले गया, मुझे लगा कि उसने सीरियसली ले लिया, तो अभी भाई को ऊपर पर रुकेंगे और थोड़ा भाई से माफ़ी मांगेंगे यार, हो सकता है कि भाई नाराज़ हो गया, है कि नहीं पंकु भाई। तो दोस्तों अभी जीतू भाई पहुँच चुके हैं, लगभग लगभग बराबर पहुँचे भाई, हमको लगा कि वो बहुत दूर होगा, एक जगह पर कैमरा सेट कर देंगे और फिर जीतू के सामने गिड़गिड़ाएंगे, भाई गलती हो गई हमसे, हम प्रैंक कर रहे थे तेरे साथ, लेकिन वो हमसे पहले यहाँ पहुँच चुके हैं, पहले हमारे जस्ट पीछे से आ रहे हैं, पोज पोज बदल दी, कोई दूसरी वाली ना, ऐसी फोटो निकाल जैसे बैकग्राउंड में ये पहाड़ भी आ जाए, किसका फोन था ये, तो ये तो किसका फोन था, है दुर्गेश बोल रहा यार, ओ जीतू, अरे यार बता ना यार भाई, जीतू भाई, ओ जीतू, बात नहीं कर रहा यार क्यों पंकु भाई, बात नहीं कर रहा क्यों, जीतू भाई कौन है जीतू, अरे जीतू भाई बात नहीं कर रहा क्यों, अरे कौन जीतू, अरे यार क्या गलती हो गई क्या हमसे, अरे कौन जीतू, जीतू भाई भैया, जीतू भाई तुम, ओ जीतू भाई, अरे जीतू भाई शॉपिंग शॉपिंग आज मतलब बहुत कुछ जा रहा है हाथ पे है, क्या ले रखा आज जीतू भाई, हमको भी दिला दो यार कभी, इन गरीब आदमी को भी दिला दो कुछ, जीतू को हाथ मत लगाना, हरी बात समझ में, जीतू को टच मत करना, मैं बोल दे रहा हूँ पहले ही, बाद में मत बोलना कुछ हो गया, हरी बात समझ में, मैं नहीं चाहता कि हमारे हमारी दोस्ती के बीच में दरार आ जाए, भाई प्यार से बोल रहा हूँ भाई, तूने बता जीतू के साथ क्या करा, ओए क्या करा तूने जीतू भाई के साथ, नाराज क्यों हमारे जीतू भाई, ओए इधर देख मैं क्या बोल रहा, क्या किया तूने जीतू भाई के साथ, जीतू भाई और बोल देना यार, ऐसे ऐसे दोस्त चाहिए भी नहीं हमको भाई,
फेंक देंगे यहाँ से नीचे गंगा जी में बहा देंगे ऐसे दोस्तों को, ऐसे दोस्त की हमको जरूरत ही नहीं है। जीतू भाई लो यार, लो यार माजा पियो, लो जीतू भाई, ओ जीतू भाई लो माजा पियो, तुम्हारे लिए माजा ला रखा हूँ मैं, लो। अरे यार 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 वो पहले जीतू को पिला, नहीं तेरे को नहीं दे रहा हूँ, चल तू दोस्त नहीं है तू, चल बैठ निकल, चल निकल। जीतू भाई, जीतू भाई एक गुट्टी पी लो, लो जीतू भाई, ओ जीतू भाई लो एक गुट्टी पी लो, अरे लो यार लो माजा पियो, अरे दोस्तों हमारा जीतू भाई समझ गया उसके साथ प्रैंक हो रहा है, ठीक है। अब इसका दिमाग भी देखो भाई, मैं रहता ना मैं पहले माजा लेता, माजा पीता और फिर उसके बाद जो कुछ भी उसके बाद बोलता, लेकिन इस भाई ने माजा नहीं लिया, इसका ये मतलब है कि थोड़ा बहुत। अरे भाई माजा इसलिए नहीं लिया जूस से तूने थूक रखा साले। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? प्रैंक भाई समझ चुके हैं, भाई नाराज बिल्कुल भी नहीं है, और नाराज हो कभी क्यों दोस्तों, में प्रैंक होता है नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं है, कि नहीं? और दोस्ती वाली बात तो हमारी दोस्ती कभी टूट सकती है नहीं, दोस्ती है भाई, दिल एक है लेकिन तीन आदमी तीन है लेकिन दिल एक है कि नहीं भाई, एक एक जिस दिन एक जाएगा तो उस दिन तीनों जाएंगे, ऐसे दोस्त है, ठीक है। कभी भाई मैं इंस्टाग्राम को दिखा नहीं रहे वो अलग बात है, शायद वो नाराज, शायद वो नाराज, वो पंकु शायद जीतू नाराज है, हम जीतू से नाराज है, जीतू नाराज है, हम जीतू से नाराज है, जीतू हम जीतू के साथ प्रैंक नहीं कर रहे थे, जीतू हमारे साथ प्रैंक कर रहा था वो भाई, कसम पता है वो कसम से रोड बाय रोड इतना लंबा चल करके ना हमसे भी पहला है, अरे सबसे मेरी हमसे भी पहला है, हमने ऐसा नहीं हम आराम से हम भी बहुत तेज आए, लेकिन ये भाई हमसे पहले पहुंचा वो भी रोड बाय रोड इतना लंबा चल करके। भाई जीतू भाई हल्लू उठे यार, तुम फिर कौन जीतू, कौन जीतू, हम नहीं जानते किसी जीतू तो अभी देख सकते हैं अंधेरा कितना ज्यादा हो चुका है, अभी मैं भी नहीं दिख रहा, जीतू भाई भी नहीं दिख रहा, तो जीतू भाई का स्टेशन आ चुका है, सामने पे ये मंदिर है, मंदिर की केवल लाइट दिख रही है और मेरा जो भोलेनाथ बनाया हुआ था केवल वो दिख रहा है, तो बाय बाय जीतू भाई। ए नामिका बनी, प्रणाम 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 चाची को, अरे वो अली वे तू ये क्यों करनी चाची को, और खूब ची। तो दोस्तों अभी फाइनली पहुंच चुके हैं, बस सामने पे ये रहा चाची लोगों का घर, ओए ले आजा, ये हमारा दुर्गेश भाई, दुर्गेश भाई हमको नीचे मिल चुके थे, हेलो दुर्गेश भाई। हेलो गाइस। तो दुर्गेश भाई आपको बहुत लंबे टाइम बाद दिख रहे होंगे, तो अभी आपको सबसे मिलाएंगे शैलेश भाई, 15-20 बिल्कुल बिल्कुल 15-20 दिन ज्यादा ही ला, एक हाँ यार तू वहाँ को पिछड़ा आया था, ब्लॉगर भाई लगभग बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते नमस्ते बड़ा, नमस्ते हाँ भाई, नमस्कार भाई साहब। अरे भाई कुछ रिस्पॉन्स तो दी, नमस्ते नमस्ते तू बोल दी, अरे बिल्कुल यार इतना तो बनने चाहिए, अभी भी नहीं छून तो कवर चुनना है, बाद में भेजते पूछते के नमस्कार भाई साहब। और कुछ है स्वास्थ्य पानी हाल चाल क्या कौन यार भाई लिए नहीं ठीक ठाक हुई यार, ले नमस्ते नमस्कार दादी को, ओ कन 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 जाग, हेलो बिल्लू, ओ बिल्लू आ इधर आजा, आजा आजा बिल्ली यहाँ देख, राजेश भैया आ गए, राजेश भैया आ गए आ गए आ गए, इधर आजा, बिल्ली को भी लग गया मैं आ गया, अभी कालू से मिलाते हैं आपको, ले ले आ ले यूचिया मालिए अपनी बुए का ठीक ठाक हुए यार, ले ले आजा कालू, कालू ये राजेश भैया इका 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 आ जाइए, दादी नमस्ते, खूब ची स्वास्थ्य पानी, और तब क्या क्यों होने दियो, बस खूबे रही, क्या क्यों होने दियो, कुछ नहीं बाला लगे। तो दोस्तों आ चुका है फाइनली घर, ये रही मेरे हमारी दादी जी, सबसे मिला दिया आपको, बस फिलहाल खूबे ची अब दिया का तबू, अभी अब तुम दे ची, अब जब मैं कोई बोल अब तुम दे बोल, छोकि नहीं बस दोस्तों अभी थोड़ा आराम करते हैं और फिर मिलते हैं आपको, ठीक है फिलहाल मुझे लगते है ब्याह आई थी बाजार। हाँ तो दोस्तों अभी शाम की 9 बज चुकी है, अभी खाने पीने का काम स्टार्ट हो चुका है, कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, आज बनिया बहुत ही ज्यादा स्पेशल वाली सब्जी, काम है क्या नहीं है, खाना काम नहीं है, खाना नहीं बोला बोल तू, वो भी तो काम है, भले वो काम करना भूल गया था, भले खाना नहीं बोला वो भी काम ही तो है, ठीक है धोनी की कप्तानी में MS धोनी जा लोग
ड्रीम इलेवन में व्यस्त है लोग आजकल, ये वो शो, लेकिन मैं अभी भी कट्टर सीएसके का फैन हूँ और आज तक मैंने ड्रीम इलेवन कोई भी ये सब चीजें खेली नहीं है। क्यों भाई माँ? क्योंकि क्योंकि तू गरीब है भाई, इतना भी गरीब नहीं कि एक ड्रीम इलेवन पे टीम ना बना पाऊं। चलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है दोस्तों। अभी थोड़ा सा गांव में आए हुए तो गांव वाला फील आना चाहिए। अभी दही और आज बहुत स्पेशल वाली सब्जी बनी है, लेमुड़ा की सब्जी। रात की दही और मोशन में आपने नाम सुना होगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इसी तरह के ब्लॉग आने वाले घर के शैलेश भाई के साथ। भाभी फिलहाल अपने मामा जी के घर गई हुई है, मामा जी की शादी है तो भाभी जी वहाँ गई हुई है। कल शैलेश भाई भी जाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो कल शैलेश भाई भी जाने वाले हैं। तो फिलहाल दो चार दिन तक शैलेश भाई हमारे बीच नहीं रहेंगे और फिलहाल ब्लॉग बनेगा माँ मेरा दादी का और पापा जी बहुत कमाते हैं ब्लॉग में, हम तीनों दिखेंगे हम आपको ब्लॉग में। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम भी खाना खाते हैं। स्पेशल वाली सब्जी बनी है, ये थोड़ा सा गर्म होती है शरीर के लिए और मेरे को ऑलरेडी गर्म हो रखा है आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल के आ रखा हूँ। तो मैं अभी दाल में खाऊंगा, थोड़ा बहुत दही दही में खाएंगे। देखे सुकुन है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी माता जी, हमारी दादी जी। तो बहुत दिनों के बाद आपको हमारी दादी जी लोगों के, माँ लोगों के दर्शन कराए आपको शैलेश भाई के। और कालू हमारा ना बहुत ज्यादा आराम हो गया यार दोस्तों, कसम से। उसका सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी बिल्ली, इसको कुछ भी खाने नहीं दे रहा भाई वो है। कालू ले, कालू बड़ा हो चुका है हमारा और बहुत ज्यादा आराम भी हो चुका है ये हमारा कालू। ओ कालू, अभी देखो अभी इसको थोड़ा रोटी दे। यहाँ देखो, ओ भाई कसम से, और अपना खुद भी नहीं खाएगा, खुद भी नहीं खाएगा, इसको भी नहीं खाने देगा। तो इतना हराम हो चुका है कसम से। तो फिलहाल दोस्तों खाते और इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा और इससे ज्यादा आपको खुशी इसलिए होगी कि आज हम घर आ चुके हैं और कल से आप लोगों को गांव के ब्लॉग देखने वाले, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और हम भी कर रहे थे। ठीक है, तो मिलते हैं कल से और मजेदार मजेदार ब्लॉगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। अरे रोटियां खा दे इसकी, ले ले खा दे इसकी रोटी।